पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अगले महीने मोदी सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। पीएफ खाता धारकों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सैलरी क्लास कर्मचारियों को खुश करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले महीने सरकार पीएफ खाता धारकों को ब्याज बढ़ोतरी का तोहफा देकर खुश कर सकती है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में बढ़ोतरी की तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि फरवरी में सरकार पीएफ की ब्याज दर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फरवरी के आखिर तक पीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, जिसका लाभ पीएफओ के 19 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर को होगा। पीएफ की ब्याज दर में बढ़ोतरी एफओ अगले महीने पीएफ की ब्याज दर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मौजूदा वक्त में ईपीएफ पर 8.55% की दर से ब्याज दर मिलती है। अगले महीने इस ब्याज दर में बढ़ोतरी का तोहफा दिया जा सकता है। एफओ की समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई थी। उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर लगभग सब तय कर लिया गया है। ब्याज दर में बढ़ोतरी का लाभ करोड़ों पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। क्यों होगी ब्याज दर में बढ़ोतरी? जानकारों के मुताबिक थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर गिरावट आने से पीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। महंगाई दर घटने की वजह से सैलरीड कर्मचारियों को ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज दर बढ़ने की पूरी संभावना है। पीएफ का अधिकतम ब्याज दर मौजूदा वक्त में पीएफ पर 8.55% की दर से ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि 1990 से 2001 के बीच ईपीएफओ की ब्याज दर सबसे अधिक थी। इस दौरान ईपीएफओ पर 12% की दर से ब्याज मिलता था, जिसके बाद 2016 से 17 में 8.65% ब्याज रहा। गौरतलब, ब्याज दर बढ़ने से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% पीएफ फंड के लिए देते हैं।